से गिर रहा है। अगर अब नहीं रुके दोस्तों ये बोरवेल्स, तो पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। त्राही त्राही तो मच भी चुकी है। इन बोरवेल्स ने धरती का सीना छलनी कर दिया है, कतरा कतरा चूस लिया है पानी का। और हम इंसानों ने इस अंडरग्राउंड वाटर सोर्स को रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं, सब कागज पर। विकास के नाम पर अंधाधुन काटे जा रहे हैं सड़क किनारे के असंख्य पेड़, सीमेंटेड सड़कों का जाल, कंक्रीट के जंगल और उन्हें बनाकर बेचने वाले दलाल। भूमाफिया तालाब के किनारे तक की जमीन को नहीं भक्ष रहे हैं, रिहायशी इलाके बना दे रहे हैं वहां। अब आप ही बताइए कैसे जाएगा बारिश का पानी जमीन के अंदर। पानी जितना भी गिर जाए जमीन के अंदर नहीं जाएगा। हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी दोस्तों, हमें पानी की कीमत को समझना होगा। एक SUV, एक कार को धोने के लिए मात्र 2 बाल्टियां और 2 सूखे कपड़े ही काफी हैं। नहाने के लिए शावर की बजाय 1 बाल्टी इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी 1 बाल्टी पानी ही लगेगा। पानी बचाइए, नहीं तो महाराष्ट्र जाकर देखिए, मराठवाड़ा जाकर देखिए किस कदर महिलाएं जूझ रही हैं। 1 बाल्टी पानी के लिए खुद इस तपती धूप में अपने दूध मुहे बच्चों को कमर में लटका कर और रोज मीलों चलती है। और हम अपने घरों में RO वाटर के लिए 1 बोतल पानी के पीछे 3 बोतल पानी वेस्ट कर देते हैं। अगर इंसानियत है दिल में तो पानी व्यर्थ न बहाएं। इतनी इंसानियत होनी चाहिए दिल में कि जब एक किसान का परिवार पानी के लिए तरस रहा हो तो आप कम से कम अपने स्विमिंग क्लब की मेंबरशिप तो कैंसिल करवा ही सकते हैं। याद रखिए, पानी नहीं हुआ तो गांव नहीं होंगे, गांव नहीं हुए तो अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो शहर कैसे बसेगा। याद रखिए, भविष्यवाणी हो चुकी है, अगला युद्ध तेल को लेकर नहीं पानी को लेकर होने वाला है, और वाटर वॉर शुरू होने वाला नहीं, शुरू हो चुका है। पानी की कमी के चलते महाराष्ट्र के लातूर जिले में टकराव को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 कई बार लगाई जा चुकी है। पुलिस तैनात की गई थी ताकि पानी के सोर्सेस के पास लोग ग्रुप्स में इकट्ठे ना हो। इंसान को पानी बचाना होगा, नहीं तो इंसान का बचना मुश्किल है। ये वीडियो हर इंसान को शेयर करना होगा, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, अफगान हो या बांग्लादेशी, भूटान से हो या नेपाल से, जो भी हिंदी भाषा को समझता हो, जिस किसी के दिल में इंसानियत हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। हाथ जोड़कर विनती है, धन्यवाद।